छठ पर्व को लेकर लोगों द्वारा महानगर के विभिन्न घाटों पर पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। घाटों पर छठ की वेदी तैयार की जा रही है। वहीं छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए छठ घाटों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि एक कंपनी सिविल पुलिस तो प्लाटून पीएसी सहित महिला पुलिस कर्मी भी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया महानगर में 46 घाट हैं, जिसमें 10 घाटों पर अधिक भीड़ रहती है तथा महानगर में 66 छठ माता की प्रतिमा बैठाई गई है, जिसमें 56 प्रतिमाओं को 11 नवंबर को तथा 10 प्रतिमाओं को 12 नवंबर को विसर्जन किया जाएगा। वहीं छठ पूजा को देखते हुए गुरु गोरक्षनाथ घाट और डोमिनगढ़ में एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है तथा बाकी स्थानों पर फ्लैट प्लाटून गोताखोर व नाव की व्यवस्था की जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिस की सिविल ड्रेस में ड्यूटी लगाई गई है और बख्शीपुर चौकी पर कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसकी सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई असुविधा हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु गोरक्षनाथ घाट पर वेदी बनाने वाले युवकों एवं एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, बहुत धनी दिया भैया। मेरा नाम रामेश्वर साहनी है। पूजा के लिए यहाँ पर वेदी बना रहे हैं। यहाँ पर वेदी बनाने में कम से कम 3-4 दिन लग जाता है। हम लोग रोज़ सुबह शाम आकर यहाँ पर मेहनत करते हैं छठ माता के पूजा के लिए। कितने दिन पहले वेदी बनाया जाता है? वेदी बनाने के लिए हम लोग जगह छिकाते हैं कम से कम 20 दिन पहले जगह छिकाते हैं। उसके बाद रोज़ आकर हम लोग को सुबह शाम देखना पड़ता है। कितना महत्व है छठ पूजा का? छठ पूजा का बहुत महत्व है। हम लोग का महत्व नहीं रहता तो हम लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि महत्व के नाते ही हम लोग सुबह शाम आकर यहाँ पर मेहनत करते हैं। छठ माता हम लोग के लिए बहुत मायने रखती हैं। हम लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। घर में कौन व्रत रहता है? घर पे हमारी माता जी व्रत रहती हैं। सब ये सब हम लोग अपनी माता जी के लिए कर रहे हैं। अनूप, आप लोग यहाँ पे वेदी बना रहे हैं? बहू जी का निमंत्रण कर रहे हैं ये छठ माता पूजा के लिए। कितने दिन पहले आप बनाते हैं ये? हम लोग 20 दिन पहले ही। कितना महत्व है छठ पूजा का? बहुत ज़्यादा महत्व है। कौन कौन रहता है घर पे आपके? मम्मी है, दीदी है, व्रत में रहती है। व्रत करती आ रही है ये तो अभी 10 सालों से। किस लिए पूजा किया जाता मालूम है आपको? अरे मनोकामना जो मन्नत माननी रहती हैं उनको पूरा करने के लिए सब करती हैं पूजा। देखिए छठ पर्व को लेकर के जो है हमने बहुत जगह ड्यूटियाँ लगा दी हैं, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण वो है। ट्रैफिक डिवर्जन की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। सिविल पुलिस के अतिरिक्त जो है पीएसी भी लगाया गया, एक कंपनी 2 प्लाटून पीएसी लगाया गया। कुल 46 घाट हैं जिन पे नगर क्षेत्र में होगा, उसमें 10 घाट जो है वहाँ पे 1000 से ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पे अलग से प्रबंध किया गया है। 66 छठ प्रतिमाएँ हैं, जिसमें 56 11 तारीख को और 10 12 तारीख को विसर्जित की जाएंगी। इसके लिए हमने 2 एसडीआरएफ की टीम भी लगा दी है। गुरु गोरक्षनाथ घाट पे लगाई है और डोमिनगढ़ पे लगा दिया हमने, और बाकी जो स्थान है वहाँ पे फ्लड प्लाटून लगाया जा रहा है, गोताखोरों की टीम लगाई जा रही है, नाव की व्यवस्था की जा रही है। महिला सुरक्षा के लिए जो है हमने जो भी ड्यूटी लगाई है उसमें महिला कॉन्स्टेबल भी लगाई है। इसके अतिरिक्त हमने सादे में भी लोग लगाए हैं
और एक कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है कोतवाली में, वहाँ पे सीसीटीवी कंट्रोल के द्वारा जो कि दुर्गा पूजा में भी ये किया गया था और दीपावली के पर्व पे भी ये कार्य किया गया था, वही बिल्कुल वैसे ही सीसीटीवी कैमरे के द्वारा नज़र रखी जाएगी। और कंट्रोल सेंटर पर अगर कोई भी पब्लिक को कोई भी ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।